आप फ्रेंड्स बन के भी यू कैन ट्रस्ट योर फ्रेंड्स, दैट इज द प्रॉब्लम इन बिग बॉस. कोई बोल रहे हैं जी कुमार शानू से का बेटा को आप, यू कैन डिनाई दैट ही इज कुमार शानू सन. फर्स्ट थिंग इज देयर, एंड सेकंड थिंग इज यू मस्ट एनकरेज हिम दैट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कम अप विद हिज ओन नेम. डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग नेम, हिज फादर इज कुमार शानू. Everyone, welcome to peepingmoon.com. I'm Rashita Sani and today we have with us Big Boss 14's Jan Kumar Shanu's mother, Rita Bhattacharya. Hello Rita ma'am, welcome to Peeping Moon. Hello, hi. How are you ma'am? I'm good, how are you? I'm good too. तो मैम पहले आप मुझे ये बताइए कि अपने बेटे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म में बिग बॉस 14 में देखकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि कई ने अंदर भी ये बात की है कि मैं और मेरी मॉम बिग बॉस 13 साथ में देख बैठ के देखते थे. हाँ जी राइट जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं बहुत खुद बहुत बड़ा फैन हूँ बिग बॉस का, बहुत देखती रहती हूँ हमेशा, हर एक सीजन मैंने देखा और जान के साथ ही स्पेशली जान एंड मी हम दोनों बैठ के. तो अभी जान को मैं जब बिग बॉस में देखते ऐसा लगता है इट्स अ ड्रीम यू नो, जो मैं इतना देखती थी हम दोनों एक साथ देखते थे एंड जान इज देयर नाउ आई एम वाचिंग घर से मैं देख रही हूँ, तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है. एंड जैसे ही जान ने एंटर किया था घर तो सीनियर्स ने उन्हों उनको और साथ में और तीन कंटेस्टेंट्स को वो रिजेक्टेड का टैग दे दिया था, तो वो देख के आपको ऐसा क्या लगा, क्यों हुआ वैसा? देखिए बहुत खराब लगा क्योंकि जान ने तो अच्छी तरह से जवाब दिया था, बट सीनियर्स को लगा कि वो रिजेक्टेड में जाना चाहिए गए, बट एक बाद में अच्छा इसीलिए लगा कि ही गॉट ए चांस टू प्रूव हिम यू नो और बेटर वे, उन्होंने दो टास्क जीत के घर पे आए तो अच्छा, इट वॉज गुड नाइस, अच्छा लगा. उस टाइम अच्छा जरूर नहीं लगा लेकिन बाद में अच्छा लगा. हाँ जी, एंड जब ये टास्क की बारी आई तो बहुत सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे कि जान ने इतने जल्दी ही अपने हेयर कट के लिए भी हाँ बोल दिया और बहुत ही ब्रेव ब्रेव के साथ उन्होंने मतलब ब्रेव होकर उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ये सीनियर्स को भी बहुत इम्प्रेस हुआ, तो तभी आपकी फर्स्ट ही वीक में उन्होंने अपना हेयर कट करवा लिया. जी जान वाज आउट एंड उसको घर में आना था और उन्होंने जैसे बोला कि ये तो कट योर हेयर ऐसे करके आना पड़ेगा, तो जान ने स्पोर्टिंग वेरी स्मार्ट वे में, अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने फटाफट करके अंदर चले गए, घर के अंदर चले गए, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन, सबने प्रेज भी किया, बहुत अच्छा लगा. और अंदर भी जान ने जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का आपने भी बताया कि वो कहते हैं कि सिद्धार्थ मेरे एक आइडल जैसे हैं, मैं उनको एक वैसा देखता हूँ, तो आप जब लास्ट ईयर भी वो कहते थे कि मैं सीजन उनके साथ अपनी मॉम के साथ उनको प्रेज करता था, तो अभी जब वो सिद्धार्थ के साथ है अंदर तो आपको क्या लग रहा है, क्या वो सिद्धार्थ के सामने अच्छे से गेम खेल पा रहे हैं या उनके अंदर वो एक फैन वाली फीलिंग आ रही है तो वो अपने आप को उनके सामने खुल नहीं पा रहे ज्यादा? बहुत सही बात कहा आपने, बिकॉज ही इज अ ग्रेट ग्रेट फैन ऑफ सिद्धार्थ शुक्ला एंड द रेस्पेक्ट फैक्टर इज ऑल्सो वेरी मच देयर डेफिनेटली. तो सिद्धार्थ से वो बहुत सीख रहे हैं, इस प्रेजेंस में उनको बहुत कुछ जानने को मिल रहे हैं, बट मुझे लगता है आई एम नॉट श्योर अगर सिद्धार्थ चला जाएगा तो मे बी जान विल कम अप और ज्यादा जोश से खेलेगा. फर्स्ट थिंग ही हैज टू, सिद्धार्थ एक रेस्पेक्ट है, उसका एक्सपेक्टेशन है कि आई हैव टू प्रूव टू सिद्धार्थ ऑल्सो दैट थिंग इज देयर एंड देन और everyone is there, I think बहुत अच्छा खेलेगा सब. ओके, एंड अंदर जान ने बहुत बार ये भी दो तीन बार मेंशन किया है कि मेरी मॉम के जैसा ही मैं हूँ और मेरी मॉम ने ही मुझे बड़ा किया, बट ऐसा एक दो फाइट्स में हुआ कि उनको कहा गया है कि यू नो आप कुमार सानू जी के सन है और आप उस बैकग्राउंड से आए हैं, तो वो देख के आपको मतलब कैसा लगता है कि मतलब अपनी आइडेंटिटी जान अभी बनाने का ट्राई कर रहा है तो बार बार वैसा बोलना आपको लगता है कि वो सही है? कोई बोल रहे हैं जी कुमार शानू से का बेटा को आप, यू कैन डिनाई दैट ही इज कुमार शानू सन, फर्स्ट थिंग इज देयर, एंड सेकंड थिंग इज यू मस्ट एनकरेज हिम दैट ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू कम अप विद हिज ओन नेम. डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग नेम, हिज फादर इज कुमार शानू, ही मस्ट बी वेरी हैप्पी फॉर दैट, ऑल ऑफ अस वी आर हैप्पी फॉर दैट, बट जान इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ ऑल्सो, व्हाई नॉट, बहुत अच्छा काम कर रहे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्वालिटी एंड यू नो दैट थिंग, बार बार कुमार शानू का बेटा बोलने से यू कैन चेंज द नेम ऑफ हिज फादर, नाइदर यू कैन गिव हिम ए न्यू नेम, तो इट्स बेटर टू कंटिन्यू विथ योर ओन नेम. और उधर जो जो है सबका भी डैडी जो है उनका भी तो वही नाम है ना, बिकॉज ही इज फेमस देन यू आर टेकिंग हिज नेम बार बार उनका नाम, व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, ही इज प्लेइंग विथ यू ऑल इक्वली,
He's living the life inside the Big Boss life with everyone. जैसे सब लोग रह रहे हैं वैसे वो भी रह रहे हैं, वैसे वो भी टास्क कर रहे हैं, वो भी घर का काम कर रहे हैं. So why you are taking बार बार Kumar Shanu's name? No use of this. जी बिल्कुल. एंड जो उनकी फ्रेंडशिप है अभी निकी तंबोली के साथ, वो काफी हाउसमेट्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं खटक रही है वो दोस्ती की, यू नो ये लोग इतने जल्दी कैसे फ्रेंड्स बन गए और क्या ये रियल है. तो उनकी फ्रेंडशिप के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए जान का ना बहुत एक वीकनेस है उसका फ्रेंडशिप. जब वो गया था मैंने बार बार उनको समझाया था कि यू हैव टू नो दैट यू आर प्लेइंग और योर फ्रेंड्स आर नॉट प्लेइंग विद यू, बिग बॉस इज यू. तो जान का वो एक है वेरी फ्रेंडशिप, बहुत जल्दी हो जाता है उसका, होने से बहुत निभाता है जान. तो मुझे उस चीज का थोड़ा बहुत डर था तो मैंने उनको बताया था. बट आई थिंक निक के साथ एक अच्छा इक्वेशन, अच्छा फ्रेंडशिप है. नो वन इज हमिंग, दोनों ही तो ठीक से खेल रहा, अच्छा लग रहा है, नथिंग टू वरी. जी राइट. एंड अभी जो वीकेंड का वार एपिसोड हुआ था उसमें जब ही रैंकिंग करना था तो जान को पुअर का रैंकिंग मिला था मेजॉरिटी के हिसाब से, एंड उन्होंने उसको फाइट नहीं किया, उन्होंने एकदम डिसेंटली एक्सेप्ट करके वो वहां खड़े हो गए. तो इस बात से सारी हाउसमेट्स ने अपना स्टैंड नहीं लिया, सलमान और जो सीनियर्स है वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे. तो आपको क्या लगता है तब जान को अपनी बात आखनी चाहिए थी? वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू एज ए मदर, माँ जो आत्मा से बोलते हैं वो बोलूंगी मैं. आई एम ए पर्सन जो मैं अपना जगह कभी किसी को छोड़ के नहीं देती, और जो जगह मेरा नहीं है मैं कभी वो जगह नहीं लेती. दैट इज माई नेचर. और मेरे बच्चों को भी मैंने नहीं सीखा, बट आई डोंट नो जान कैसे कन्विंस होके उधर पहुंच गए, बिकॉज जान मानने वाले में से है नहीं. बट दैट टाइम मैंने भी देखा जो मुझे लगा भी, बिकॉज कोई भी बोलने से पहले मुझे लगा था वाई एंड यू आर टेकिंग दैट साइड वाई. बट आई एम हैप्पी कि जान ने मिस्टेक किया, सलमान जी ने अच्छी तरह से समझा दिया, रूममेट्स उनके जितने फ्रेंड्स है सबने, सबको एक सबक मिल गया, आई थिंक सबने सीख गया. इट्स अ गुड लेसन टू लर्न, यू नो यू इफ यू डोंट डू एनी मिस्टेक देन हाउ यू लर्न. एंड बिग बॉस इज यू नो वर्ल्ड के सामने एक स्टेज है वेर यू आर स्टैंडिंग, यू कांट हाइड एनीथिंग, यू कांट चुपके से कुछ नहीं बोल सकते, कुछ छुपा नहीं सकते. उस जगह में इतना एक मिस्टेक हुआ एंड द सेम उसी टाइम उनको करेक्शन भी मिल गया. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. जी बिल्कुल. एंड अभी जब ही नॉमिनेशंस भी हुए तो उसमें जान को नॉमिनेट करने का सबका सिर्फ एक ही रीजन था कि वो कहीं ना कहीं किसी और की बातों में आके अपना गेम भूल रहे हैं. तो क्या आपको भी यही लगता है या आपको लगता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? देखिए जान किसी का बातों में आके भूल नहीं कर रहे, इज माय सन, मैं जानती हूँ, वो लर्न कर रहे हैं, ही इज ऑब्जर्विंग, ही इज वो देख रहे हैं. बट जो लोग बोल रहे हैं बेबी वो लोग उनको जान को बहुत लाइक करते हैं, दे आर नॉट लाइकिंग इट कि जान किसी का सुन के चले या कुछ भी, दे आर ऑल्सो नॉट रॉन्ग. एट द सेम टाइम दे आर 100% करेक्ट भी नहीं है. जान को मालूम है कि उसे क्या करना है, ही विल डू दैट. एंड आपके अकॉर्डिंग अगर कोई घर के अंदर जान का सबसे बिगेस्ट कॉम्पिटिशन है तो आपको क्या लगता है वो कौन हो सकता है? देखिए सब खेल रहे हैं, एक ही वीक हुआ अभी, मुझे तो कोई फाइनल कंपटीशन भी नहीं दिख रहा है. देन हाउ कैन आई टेल यू दैट जान का कंपटीशन में कौन है? एवरी सब सबके कॉम्पिटिटर है, दैट इज 100%. बट उनका उन लोगों का एज का भी एक डिफरेंस है, तो दे विल जो मेच्योर लोग दे विल बाद में वो लोग खुलेंगे. तो राइट नाउ यू कांट टेक द कॉल के हु इज यू नो जान के साथ कॉम्पिटिशन में, सबको लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में. और अभी वन वीक देख के आपको मतलब क्या लगता है कि जान को किसके साथ फ्रेंड्स रहना चाहिए? जैसे कि निकी के साथ उनका अच्छा बॉन्ड है, सारा के साथ भी उनकी फ्रेंडशिप थी, या और किसके साथ उनको फ्रेंड्स ज्यादा नहीं रहना चाहिए? देखिए फ्रेंडशिप की तो जरूरत है नहीं, यू हैव टू एडजस्ट विद देम एंड प्ले योर गेम, दैट्स इट. उधर कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता, आई थिंक सबको मालूम है कि एंड इट्स अ वेरी दैट इज द गेम कि आप फ्रेंड्स बन के भी यू कांट ट्रस्ट योर फ्रेंड, दैट इज द प्रॉब्लम इन बिग बॉस, दैट इज द गेम. तो जान को किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं, सबके साथ अच्छी तरह से रहो, खेलो जैसे अपना गेम खेलो, बट बी नाइस टू एवरी वन. वो तो आपका सबसे बड़ा संस्कार होता है कि यू हैव टू बी नाइस टू एवरी वन, वेदर यू आप गेम खेल रहे हो या नहीं खेल रहे हो, आपका नेचर निकल आता है, अब जैसे भी वो दिखता है ना. एंड जो रिसेंट एविक्शन हुआ उसमें जान ने जैसे कि सारा को नॉमिनेट किया था और सीनियर्स ने उनको एविक्ट कर दिया, तो उसके बाद जान का एक इमोशनल साइड भी बाहर आया, वो थोड़ा बैड फील कर रहे थे कि उन्होंने नॉमिनेट किया तो वो चले गए, जबकि उनको सबने समझाया था दिस इज अ गेम.
तो क्या आपको लगता है कि जान का वो जो इमोशनल एक साइड है वो गेम खेलने टाइम उनका थोड़ा थोड़ा भारी पड़ सकता है उनके ऊपर? देखिए, दैट वाज फॉर सम टाइम बीइंग इट वाज देयर एंड वो तो रहना चाहिए, क्योंकि जान को खराब लगा कि मैंने नॉमिनेट किया वो चला गया. जान को ये भी सोचना चाहिए कि जान को भी बहुत लोगों ने नॉमिनेट किया. इट इज नॉट दैट कि जान ने खाली नॉमिनेट किया, जान को भी बहुत लोगों ने नॉमिनेट किया था. फिर जान ने भी सारा को किया, अनफॉर्चुनेटली सारा चले गया, अच्छा नहीं लगा, किसी को तो जाना ही था. फोर्स आई एम ए मदर, मुझे बहुत खराब लगा, जान रो रहा था एंड दैट सारा भी जा रही थी, बहुत खराब लगा देख के, अच्छा नहीं लगा छोटी सी बच्ची. बट जान हैज टू अंडरस्टैंड कि जान किसी एक को तो जाना पड़ेगा. एंड यू ने जान को भी बहुत लोगों ने नॉमिनेट किया, तो जान ने भी किया. बट मुझे अच्छा लगा कि मेरा बच्चा रो रहा था देख के, अच्छा लगा कि यस हिज नेचर इज देयर इज द सेम, अस्थि में ऐसी है जान. ओके. और जान, जैसे कि आपने अभी बोला कि वो सच्ची में भी ऐसे ही है, मतलब घर पे भी शायद वो वैसे ही रहते होंगे, तो जान इनसाइड द बिग बॉस हाउस एंड इनसाइड हिज ओन हाउस आपके साथ जब वो होते हैं, क्या वो सिमिलर पर्सनालिटी बाहर निकल के आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? ही इज द सेम, जो आप देख रहे हो जान वैसा ही गाता है, मस्ती करता है, काम कर रहे हैं, ये मैं देख रही हूँ रेगुलर वे में काम कर रहे हैं. जान इज वेरी कुक, गुड कुक, खाना बहुत अच्छा बनाता है. बट जान इज लाइक दैट, जान वैसा ही है. जान मैंने जान को एक ही बात कहा था, मुझे मालूम भी है कि जान कान भी आर्टिफिशियल हो, आर्टिफिशियल वे में आप ज्यादा देखते, बिकॉज जान ने बहुत ज्यादा एक्सपोजर लाइफ में नहीं हुआ. और ऐसे यू नो रॉन्ग वे कॉम्पिटिशन जो होता है उसमें जान कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड हमारे घर में भी ऐसा तरीका नहीं है. तो जान ऐसा तो कभी नहीं कर सकता, वो ऐसा ही ठीक वैसा ही हो जैसे उधर है ना, कि वो सबके साथ फ्रेंडशिप करेगा, बात करेगा, गाना गाएगा, मस्ती करेगा, बहुत मजाक करेगा, दैट इज दैट काइंड ऑफ. और अभी जो रीसेंट टास्क हुआ था जिसमें आपको जो दो कंटेस्टेंट्स हैं उनको उठाना है वो बेंच से, और उसमें लोग काफी तरह तरह की चीजें एक दूसरे पे डाल रहे थे, उसमें जान ने बिल्कुल भी हार्श, जैसे कोई कोई लोग स्प्रे मार रहे थे जो अलाउड भी नहीं था, जान बहुत ही कामली, मतलब वो बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज जो रूल्स के अगेंस्ट जाके नहीं कर रहा था और बिल्कुल कामली खेल रहा था. तो क्या आपको लगता है ये उनका एक प्लस पॉइंट बनेगा आगे जाकर? देखिए एंड ऑफ द गेम, और एंड अगर जान ज्यादा देर तक रह गया, ज्यादा दिन तक, तो उनका तो एक कैलकुलेशन तो होगा ना, इन ऐसे कैसा था, ऐसे कैसा था, ऐसे कैसा था. इन दैट वे जान विल गेट 100% फॉर हिज दिस नेचर. जान का इज ए सॉफ्ट नेचर है, नॉट हर्टिंग एनी, किसी को हाथ लगा के कुछ करना, गलत चीज का इस्तेमाल करना वो जान के लिए करना थोड़ा भारी पड़ेगा, आदत नहीं है, करना मुश्किल होगा. बट इट्स अ गेम, सब लोग करेंगे, मे बी जान विल ऑल्सो डू, आई डोंट नो, बट जान को पर्सनल नहीं कर सकता है, मुश्किल होगा. और अभी जो 1 वीक देखने के बाद सबको थोड़ा थोड़ा कंटेस्टेंट्स के बारे में एक आइडिया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स जान आपके सन है तो आप उनको और भी अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि जान कितना आगे जा पाएंगे अभी के हिसाब से, अगर आप देख के बोले? देखिए मुझे लास्ट कल तक बहुत डर लग रहा था जान के लिए, बिकॉज इट वॉज सब कुछ रॉन्ग हो रहा था. एंट्री बहुत अच्छा हुआ था जान का, ही वॉज आउटसाइड फॉर 2 डेज आई थिंक, 2-3 डेज. फिर एंट्री बहुत अच्छा लिया था जान ने, प्रॉपर टास्क करके अच्छी तरह से अंदर गए थे, अंदर भी ठीक था, बट एक रॉन्ग डिसीशन ले लिया था जो उसको, जो पोर में खड़े हो गए थे एंड एक तो रॉन्ग हो गए थे. बट आई थिंक सलमान साहब मिलने के बाद जान ने जो सीखा, दैट विल उसके ऊपर अगर जान चलेगा तो आगे तो जाएगा. जी बिल्कुल. एंड लास्टली, अगर एक एडवाइस आपको अभी जान को देना हो तो आपको क्या देना चाहेंगी? डोंट चेंज, अब जैसे हो वैसे ही रहो, बी फोकस, बट आपका नेचर किसी भी कारण से चेंज नहीं करेगा, अब जैसे हो वैसे ही, दैट इज व्हाट आई वुड लव टू से. ओके ओके, थैंक यू सो मच ईटा मैम फॉर चैटिंग विद अस, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच.